स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, इससे पहले वाली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि आप मुंबई, दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद, हरियाणा और चंडीगढ़ में अपनी मैरिज करके उसे जल्द से जल्द कहां और कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। और आज की हमारी जो ये जानकारी है वो स्पेशली पंजाब के लिए है, यानी आप पंजाब के अंदर अपनी मैरिज करके जल्द से जल्द उसे रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, इवन एक या दो दिन के अंदर ही, और वो भी बिना किसी नोटिस के। तो जानकारी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली ये हम पंजाब वाले कपल्स की डिमांड्स पर ही आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा और इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए या अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए जल्द से जल्द आप हमसे हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर 8295723604 पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत में मैरिज करने के लिए, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसके लिए कानूनन उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि भारत में आप कहीं कहीं भी रहने वाले हो, कोर्ट मैरिज करने के लिए या मैरिज करने के लिए जो कानूनन उम्र है वो लड़की की होनी चाहिए 18+ और जो लड़का है उसकी 21+ उम्र होनी चाहिए। हमें कॉल करके बार बार ये पूछा जाता है कि जो लड़कियों की उम्र क्या बढ़ा दी गई है, जिसके जवाब में हम अपनी पहली वीडियोस भी आपको दे चुके हैं। और आज भी आपको बता दें कि प्रेजेंट में जो लड़कियों की उम्र है वो अभी 18+ है। अभी जो नया कानून है वो बना ही नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले चाहिए होता है आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ के रूप में आपका आधार कार्ड जो वैलिडिटी होता है। इसके अलावा एज प्रूफ के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट या पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आदि आप ला सकते हैं। फिटनेस की बात करें तो और जगह के मुकाबले जो पंजाब में फिटनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी जैसा कि हमने चंडीगढ़ के बारे में बताया था वहाँ फिटनेस आपको लाने होते हैं दो, लेकिन पंजाब की बात करें तो यहाँ आपको 4 फिटनेस लाने होते हैं। फिटनेस कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता या फैमिली मेंबर्स के अलावा आपके फ्रेंड्स वगैरह भी फिटनेस का रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि कानून में कहा गया है कि फिटनेस जरूरी नहीं कि आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला या आपके माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो फिटनेस के रूप में आ सकता है। तो साथियों, अब मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करें तो कानून कहता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आप जहां रहते हैं वहां इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आपने जहां मैरिज की हो तो मैरिज के आधार पर आप अपनी कोर्ट मैरिज कहीं पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो मान लीजिए पहले आप मैरिज करते हैं, जहां भी आप मैरिज करना चाहते हैं, चाहे आप मंदिर से करें, आप गुरुद्वारे से करें, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मैरिज प्लेस के बेस पर या फिर आप अपने रेजिडेंस के बेस पर उस मैरिज को उस जगह पर रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन करना होता है। आवेदन करने के साथ साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फिटनेस के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो लगाने होते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रार की कोर्ट द्वारा उसका वेरिफिकेशन होता है और आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होता है, जो सरकारी दस्तावेज होता है, वो आपको मिल जाता है जो समय निर्धारित होता है। जैसे पंजाब में ये 1 से 2 दिन के अंदर भी मिल जाता है। और जो सर्टिफिकेट होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ बारकोड लगा हुआ है, आप बारकोड से भी डायरेक्टली इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही इस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी मैरिज नोटरी पेपर पर यानी स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर नहीं होती है, हमेशा जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है और जो सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार का होता है और उसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इवन बारकोड से भी उसे स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि नोटरी पेपर पर रजिस्टर करवा के हम आपको दे देंगे, तो ऐसा गलत है, आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। और हाँ, हम यहाँ आपको बता दें कि अगर आप जल्द से जल्द पंजाब के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट पर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है। कहीं पर इसमें 10 दिन का भी टाइम लगता है और कहीं ये प्रोसेस इवन 1 या 2 दिन में ही संपन्न होके आपको उसका सर्टिफिकेट यानी उसका प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ऑनलाइन चेक होने वाला वो भी आपको हाथों हाथ मिल जाता है। तो बस ये पूरी प्रोसेस डिपेंड होती है कि आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है। तो साथ ही यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा और यूपी, गाजियाबाद के अलावा हमारे अब जो ये सुविधाएं हैं
ये पंजाब में भी अवेलेबल है। तो अगर आप जल्द से जल्द अपनी मैरिज को रजिस्टर करने के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 8295723604 पर हमसे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के दौरान किसी से भी जान का खतरा होता है, चाहे वह आपकी फैमिली मेंबर्स है या अन्य कोई भी सोसाइटी का पर्सन है, तो आप उसके लिए पुलिस से हेल्प ले सकते हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसपी ऑफिस में दरखास्त देनी होती है। अगर वहाँ पर आपका काम नहीं बनता या आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट से या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, आपको आज की जानकारी समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए